इस वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। हमारा उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। लाओ बेटा बैग दो, लाओ। अच्छा बच्चा लाओ, मुझे भारी हो रहा है, गर्मी हो रही है। बेटा गेम खेलोगी मेरे साथ फोन में? आओ मेरे साथ आओ। स्कूल की तो छुट्टी हुई, काफी टाइम हो गया। सर, हेलो सर, सर। अरे यार कल बिल्कुल मजा नहीं आया, तेरी भाभी को कचौरी बिल्कुल पसंद नहीं आई सर। अरे बहुत पर गया। हाँ क्या हुआ? सर मेरी बात सुने, सुबह से मेरी बहन गायब है, स्कूल से 4-5 घंटे हो गए। हाँ जरा एक मिनट जरा पर रहना। हाँ क्या हुआ, पूरी बात बताओ, डिटेल से बताओ। सुबह 9:30 बजे उसका स्कूल है छुट्टी का, और उसके बाद से वो गायब है स्कूल के बाद से, 4-5 घंटे हो गए। मैंने इधर उधर पता किया, स्कूल से प्रिंसिपल से भी पता किया, कुछ पता नहीं चल रहा उसका। हाँ मैं भी तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है? सर आप मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो? दिन में 11 से 12 किसी जाते हैं बच्चे घूम जाने के, और जब हम इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है बच्चा अपने घर पहुँच गया है। कोई भी इतना नहीं करता कि हमें फोन करके बता दे कि बच्चा घर पहुँच गया है, इसलिए हमने इन केसों को सीरियस लेना बंद कर दिया है। इस कुछ कीजिए सर, काफी देर हो गई, 4-5 घंटे बीत चुके हैं, अब तक उसका कुछ पता नहीं। चलो आप बच्चे की डिटेल लिखवा दो, जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। सर जैन सर। ओ राजवीर कमिंग, प्लीज सिट राजवीर। राजवीर बोलो। सर ये चुटकी नाम की बच्ची है, ये उसकी फाइल है, ये मिसिंग है। राजवीर पता करो कि बच्ची के साथ घर वालों के आपसी संबंध कैसे थे, और कोई जारी दुश्मनी तो नहीं किसी के साथ। किसी तरह के हुई रैंडसम कॉल, और मुझे आज शाम तक सारी डिटेल चाहिए इस केस के बारे में। जय सर। चुटकी किस्म मैंने इंक्वायरी करी है, अभी किसी भी तरह का कोई एंगल सामने नहीं आया। बच्ची सुबह 9 बजे निकलती है स्कूल जाने के लिए, और वो स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचने के बाद जब छुट्टी होती है
तो बच्ची घर नहीं पहुंचती है। उसका भाई लेने के लिए पहुंचता है तो उसे बच्ची वहां नहीं मिलती है। राजवीर, कोई तो पॉइंट ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं, कोई चीज तो ऐसी है कि जो हम मिस कर रहे हैं इस केस में। एक्सक्यूज मी सर, ओके ठीक है, ओके सर एक इंफॉर्मेशन आप लगी है, स्कूल की छुट्टी 1 बजे जाती है और लड़की का भाई 1:30 बजे लेने पहुंचा उसे। अब उस 30 मिनट के काम बुलाओ इसको। सर मेरी बहन का कुछ पता चला? डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पता चल जाए। बट आप लोग जब हमें इंफॉर्मेशन देते हो तो वो आदमी पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। नहीं सर, हमने कुछ नहीं छुपाया, सब बता ही दिया था। छुट्टी की छुट्टी 1 बजे होती है और आप उसको किस टाइम लेने पहुंचे? आप उसको लेने पहुंचे 1:30 बजे। आप इस 30 मिनट कहां थे? मेरे फ्रेंड का फोन आ गया था, उसमें लेट हो गया थोड़ा। आपका ये थोड़ा लेट पता कितना थोड़ा लेट था? 30 मिनट। जिस 30 मिनट में एक कांड हो गया, पेरेंट्स और फैमिली मेंबर इस तरह की गलतियां करते हैं, उनका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। अगर ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो बच्चे सेफ है। जय सर। जय। वहां कमी राजवीर। सर मेरे खबरी ने बताया है राणा नाम का एक गुंडा जिसके पास चुटकी केस के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो आज रात अपनी बस्ती में आने वाला है। आ तो देरी किस बात की है, उठाओ साले को। कहाँ में लगाओ? रतनपुर पे आने वाला है। इधर देख मेरे आदमी। अरे मामू, तुमने बंदे को परेशान करता है रे। मुझे सिर्फ उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, मुझे सिर्फ उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है। नहीं, इन्फो लेने मिलेगी इसके। क्या है तू हटे लाएगा दिमाग से? उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उसे अंदर नहीं डाल दूँ। दिमाग सटक जाएगा आपका, दिमाग सटक जाएगा तेरे का। उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे लेने दो। अंदर डाल दूंगा और चक्की पिसाऊंगा। मुझे इससे इंफॉर्मेशन चाहिए, वो मैं लेके रहूं। चल ले बॉस। बॉस सर, इसको मत ले जाने का इसको। ए, सिर्फ इंफॉर्मेशन लूंगा और मैं छोड़ दूंगा, ज्यादा अंदर नहीं। चेक चेक करेगा, तेरे को भी अंदर डाल दूंगा। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। सर एक गुड न्यूज है, राणा ने अपना मुंह खोल दिया है। अब तो क्या बताया उसने? सर उसने बताया कि अपहरणकर्ता का नाम मनी है, वो इसी तरीके से अलग अलग शहरों में जाकर के बच्चों को किडनैप करता है और उनके पेरेंट्स से फिरौती मांगता है, और जो पेरेंट्स उसको फिरौती नहीं दे पाते वो उनके बच्चों को मार देता है। राजवीर, इससे पहले कि बच्ची को कुछ हो हमें इस मनी को पकड़ना पड़ेगा। वैसे ये मनी मिलेगा कहाँ पर? सर पुरानी बस्ती से आगे किसी जगह ही छुपा है। तो राजवीर, इस काम में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए, सो लेट्स गो।
जी जी सर, इधर देखो। ओके सर, मैं इधर जाता हूँ। बता साहब, बच्ची पुरानी मंदिर की छत पर साहब, सब मार मारना साहब, सब कौन से मंदिर की? पुरानी मंदिर की? पुरानी मंदिर की साहब। तुम अगर गुंडे हो तो हम गुंडों के बाप हैं। ओके सर, मैं पुरानी मंदिर की छत पे जा रहा हूँ। ओके सर। सर, बच्ची मिल गई है और सही है।